पढ़ते भाई, मैं तो बोल रहा हूँ। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग सर। आज ये कोई फूड व्लॉग नहीं होने वाला है। आज हमने सोचा क्या, थोड़ा फूड व्लॉग से छुट्टी ले लेते हैं और घूमने चले जाते हैं। तो आज हम आए भोजपाल मेला में, तो थोड़ा एक्सप्लोर कर ले और आपको भी एक्सप्लोर करा देते हैं। तो चलिए आज आप भी हमारे साथ मेला घूमिए और देखते हैं यहाँ पे क्या यूनिक चीज, नई चीजें मिलते हैं फिर मेला के अंदर। चलिए चलते हैं। ये लेते ना भाई, मेरी शादी में मेरे को ये दही चाहिए भाई। कौन सा? ये वाला दही चाहिए भाई। ये वाला नवीन को अपनी शादी में दही चाहिए भाई। वो तू ही देगा मैं क्यों तुझे भाई, मैं तुझे दही क्यों दूंगा भाई। ठीक है ना, दही मिल जाएगा मुझे। होने वाली तेरी वाइफ देखो दही देगी ना, तू दही लेगा? दही के खिलाफ हूँ मैं पक्का। दही तो आपको भी लेना नहीं चाहिए, दही के खिलाफ सब होने चाहिए। जैसे मैं अहिंसकवादी हूँ, सॉरी अहिंसकवादी नॉन वायलेंस पर्सन हूँ। दही लेने में वायलेंस हो जाता है। हाँ बहुत हो जाता है। इधर चलना, इधर चलते चूल्हे नहीं मिलना। अरे इधर चलना तो भाई, भाई खुद कंफ्यूज है भाई। चला चला भाई, सबसे बड़ा झूला कौन सा है यहाँ का? अपन वही झूलेंगे, याद है? क्योंकि छोटे झूले में अपन झूल नहीं सकते। पिछले बार रेंजर गए थे, आज उसी में चलेंगे वापस से। रेंजर तो झूलना ही झूलना है यार, भले कितने भी डरे लेकिन झूलेंगे तो रेंजर पक्का अपन, है ना? जरूर भाई, वो पहले ही। अभी ये वाला चलते हैं पहले, तो सबसे ऊंचा जो है, बट ये मेरे ख्याल से बंद है क्या ना? अबे लोग फंसे हुए हैं क्या ऊपर? चल भाई चल, यही तो मजा है जिंदगी का। गाइस ये वाला झूला हम लोग झूलने वाले हैं। अब यार बहुत भीड़ है, लेकिन काफी ऊंचा है, सबसे ऊंचा यहाँ पे देखना। तो सबसे ऊंचा झूला यही दिख रहा है अभी तक। तो गाइस टिकट ले रहे हैं हम लोग ये वाले, इसकी बहुत बड़ा है, 60 रुपए एक टिकट, 60 रुपए की एक टिकट। ब्रेसलेट वाली नहीं है क्या? जल्दी टिकट लीजिए, जल्दी टिकट लीजिए। भाई साहब आपने ले तो लिए टिकट, बट फट भी नहीं जाने दो ऊपर। नहीं डर मार नहीं रहे, बचपन से लेकर आज तक बैठे नहीं, देखा जरूर है लेकिन बैठे नहीं है। नहीं आज फाइनली बैठने वाले हैं। आप लोग मत डरना, मत गाइस, ये वाला तो फर्जी झूला है, ये फर्जी है, इसमें ज्यादा डर लगता है। हाँ इसलिए फर्जी है, इसलिए हम आपको बोलेंगे सर नहीं चाहिए। अभी छोटे छोटे बच्चों का मजे लो, ये छोटे बच्चों का झूला है यार, ये बड़े बच्चों का झूला है, अपन इसमें क्यों जाएंगे? तो फाइनली गाइस हम लोग बैठ चुके हैं अब इसमें, फटता नहीं रही है, बाहर में डरता आता नहीं भाई। तो भाई गिर गए ना, गिर गए भाई, नहीं गिरे ना भाई, लोग पूछ लो भाई, भाई लोग के साथ बैठे आप। नजारा
हाय बोल दो भैया। हाँ भाई इधर भी अलग ही मजा है। नीचे नीचे का सीन देखो ना, हम लोग को रोक दिया है यहाँ पे, हम लोग हवा पे ही लटके हुए अभी तक, झूला रुक चुका हुआ है। सबसे पहले अपन ही लोग बचेंगे उतारने के लिए इसको। हाँ भाई मजा ही आना चालू हुआ था भाई। लाल बस बहुत राउंड यार, 60 रुपए में सिर्फ 2 राउंड घुमाए थे, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। चल भाई मजा तो आया, पटी नहीं है बस मजा तो बहुत आया। हम क्या उसने जब फर्स्ट टाइम भी गए थे तो ये लोग तो नहीं जा रहे थे, पहले गया था, बट पहली बार बैठने के बाद हम लोग कंटिन्यूस एक ही बार में 3 बार बैठे थे उसके अंदर। हम वापस दिखाते कैसे पता नहीं, तो हम लोग आपको देखने को मिल जाएगा, बट अगर अलाउड हुआ नहीं पटी तो वो भी आपको एडवेंचर मिल जाएगा भाई। गुड लक ऑल द बेस्ट हमारे। बट भाई रेंजर सबसे खतरनाक झूला है, मैं तो जहाँ तक बोलूंगा रेंजर सबसे खतरनाक है। चलो अगला नेक्स्ट रेंजर चलते हैं बिल्कुल। भाई हम लोग जा रहे थे रेंजर पे झूला झूलने, लेकिन हम लोग को रास्ते में क्या दिखा, भूत बंगला, मेले का जाने बंगला। तो हम इसके अंदर जाने का सोच रहे हैं, आपको बताते हैं फिर इसके अंदर का रिव्यू कैसा है, ठीक है। हम जाने वाले हैं अब इसके अंदर भूत बंगले, चलिए चलते हैं, टिकट ले लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई झांकी के अंदर जाके आए हुए हैं, कुछ नहीं था, डर के नाम पे सिर्फ अंधेरा था वहाँ पे और कुछ भी नहीं था। भूत बंगले के नाम पे डर रहे थे भाई, हम डरा दे रहे थे, उनको वही डर जा रहे थे, कुछ भी नहीं था बकवास। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी आप बिल्कुल मत जाना भूत बंगले के अंदर, सिर्फ कुछ भी नहीं है, एक सेकेंड का था, सिर्फ एक सेकेंड का, बिल्कुल मत जाना। हम जाने वाले रेंजर के अंदर। बस हमारी चांसेस के अंदर भाई उधर नहीं, भाई जाएंगे तो हम जरूर इसके सेकंड राउंड में, हमारी हमने टिकट ले चुकी है। और बस वो पिछले बार तो जोश था, इस बार तो मतलब हर बार थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अपग्रेड करने की कोशिश करना पड़ती है ना। पिछले बार बहुत अपना मना के हम लोग इसमें बैठे थे, करेंगे आप लोग भी करेंगे, बट इस बार देख सकते हो। नवीन याद है गुड्डे के बाद आएगा, खाऊंगा ना भाई, बिल्कुल मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है भाई, एक बना देना। कॉटन कैंडी सबको पसंद होती है क्या यार? भाई सबका मुझे पता नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। चलो भाई नहीं एक ही चाहिए था, एक ही चाहिए। भाई जो भी अचार चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो, कॉटन कैंडी का पानी नहीं मिलता।
इसके बना रहा हूँ ना। चैनल कौन सा? कार्तिक कॉफी का। इंस्टाग्राम पे भाई कैसा है? खा भाई, मेरे को तो भूख नहीं लगी, तू ही खा अकेले। नहीं मैं नहीं खाऊंगा, अब उपवास है मेरा आज भाई। आप लोग खा लो। स्पाइडरमैन के जाने आ गया हमारा बर्फ का गोला। आते कैसे? खट्टा है मस्ती का। खट्टा तो नहीं है भाई। फिर जान दे भाई, जान दे। तो अभी मजा आया मेला घूमने में, बाकी तो अपन ने सब घूम ही लिया है। बहुत मजा आया, अच्छा लगा मेला आके। बड़ा मन कर रहा है घर चले जाए, क्योंकि इतना भी मजा नहीं आ रहा है। घर जाके डांट भी खाना पड़ेगा सब। हमेशा हम लोग पहले भी आ चुके हैं तो सब देखा देखा, सब बोरिंग से ही लग रहा है। एक दो चीज ही है जो अच्छी सी लग रही है, बाकी तो सब ऐसी है। तो गाइस, जो जो मेला नहीं आया है मेरे पे आओ, अभी मेला अच्छा लगा है। पहले से बहुत ज्यादा भीड़ है, सब लोग आओ। सजेस्ट क्या क्या करेगा तू झूलने के लिए उनको? झूला भाई सारे झूलो, सब दो दो झूले, सारे झूलो, मजा आए। रेंजर को जरूर झूलना, बस भूत का बंगला मत जाना। भूत के बंगले में कुछ भी नहीं है, ऐसा लगेगा कि किसी चाकी में आ गए हो आप लोग। यहाँ पे दुकान और एक दो सेकंड का था, बस सस्ते में मिलेगा। आगे जो खरीदना है सब मिलेगा, तो आओ। कॉटन कैंडी जरूर खाना। और मेरी कॉटन कैंडी पूरी नवीन खा गया बेटा। नवीन तुमने दिखाया नहीं कैमरे पे, ये सब चुपके चुपके खा जाता है। चुपके चुपके खा नहीं बोलो तो ठीक है गाइस। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है जाके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल को जितना शेयर कर सकते हो। अगले ब्लॉग में मिलते हैं आपको। टिल देन बाय बाय। मैं भी तो बाय करूंगा, बाय। नवीन किसके लिए बलून ले रहा है? जूता ले लो 200 रुपए का, मात्र 200 रुपए का। 200 रुपए की चेन चप्पल छोड़ मत देना बेटा, गलती से भी बहुत तेज जाता है। ये मैं अपने दोनों बहनों से ले रहा हूँ। सामान ले, यह जोड़ी नहीं मिलेगी भाई साहब। जिनने सामान ले लिया है थोड़ा पीछे लिया है, दूसरे का मौका दे दी। चेन चप्पल 100 रुपए की है, मात्र 100 रुपए की चेन चप्पल। 100 रुपए में।